लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गरीबों पर अत्याचार करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। देख, छोटे मोटे काम करके ही आदमी आगे बढ़ता है और तभी बड़ा आदमी बनता है, इसीलिए लोग मुझे अंजनी भाई कहते हैं। भाई, ये पूरा एरिया उसके हाथ में है, अगर हम उसके आदमियों को मारेंगे तो वो हमें जिंदा छोड़ेगा? इन गधों के बीच में रह करके उसमें इतनी ताकत है, मैं तो एक हाथी का बेटा हूँ। ए, गिरा दो उस बोर को। मिट्टी में मिला दो इस शिवराज को। अंजनी सिंह, अंजनी सिंह, अंजनी सिंह, ये नाम मैंने सुना नहीं पहले। ये नया कौन आ गया यहाँ पे? ये डोंगरी साइड का है, बहुत खतरनाक आदमी है, अपनी बीवी को जलाकर जेल से सजा काट के आया है। मैंने बुलाया उसको, जाकर बोल। वो नहीं आएगा। ए, नरसिम्हा, ए ले, 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 नहीं भैया, नहीं नहीं, मार, मैं नहीं मारूंगा, मार, नहीं मारूंगा। मार, मार, मेरे सर में जो खून है ना, सब जम जाना चाहिए। इतना मार मुझे, इतना मार, मार इतना। मैं विश्वनाथ इतना खतरनाक आदमी हूँ और इसके बावजूद वो मेरे अपोजिट खड़ा हो गया है। मार मेरे सर में, मार, 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 मार। उसकी खड़े खड़े समाधि बनाने वाला एक आदमी है। नरसिम्हा, मार मेरे सर पे। अगर उसको पैसे दे तो कुछ भी कर सकता है। उसका नाम धर्म बोलकर उसको बुलाते हैं। कल अंजनी अपा अपने आदमियों के साथ अपनी माँ की बरसी के लिए मंदिर जा रहा है, वही काम तमाम कर देंगे। नमस्कार भाई, इस पवित्र नदी में 3 बार डुबकी लगा कर आइए, इसके बाद आपकी माँ की बरसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जाइए स्वामी, आप जाइए और नहा कर आइए। ठीक है। क्यों रे, मैं नहाने ही तो जा रहा हूँ, तुम लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं कोई मल्लिका शराव तू या ऐश्वर्या राय हूँ? जाओ उधर खड़े रहो। भाई साहब, जाने के लिए रास्ता दो। हाँ, ठीक है, जाइए। अरे स्वामी लोगों के हाथों में तो कुंडल होता है ना, और ये स्वामी तो हाथ में तलवार पकड़ के जा रहा है। मुझे तो ये स्वामी नहीं, गुंडा लगता है। इतनी देर हो गई, अब तक अंजनी भाई नहाकर क्यों नहीं आए? अरे अरे, हे भगवान, अंजनी भाई का खून हो गया। अरे ये क्या हो गया? अरे किसने मार डाला अंजनी भाई को? हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सब क्या अनर्थ है? अपनी माँ की बरसी कराने आया था और वो इसे अधूरा ही छोड़ के चला गया। हाँ भाई, ये जूता ले। अच्छा भाई, जूता ले ना। क्यों भाई? मार, मार, मार।
भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये मैं तुझे नहीं दे रहा हूँ, तू इसे उठाकर मेरे सर पे मार। भाई अगर उससे नहीं होता तो मैं करूँ क्या? मजाक मजाक कर रहा ना तू? मैं बात और टाइम दोनों वेस्ट नहीं करता। वाह वाह, विश्वनाथ के सामने तू ऐसी बात कर सकता है तो तू वाकई में मर्द है। लेट हो रहा है, पैसे दो। जो काम किया उसका कितना पैसा हुआ और जो आगे करना उसके लिए कितना पैसा लोगे? देखो पसंद आने पर लोग उसे काम पर रखते हैं, लेकिन मेरी स्टाइल कुछ अलग है। जो मुझे पसंद आता है मैं उसके लिए काम करता हूँ। अभी जो काम किया उसके पैसे दो, आगे क्या करना है मैं डिसाइड करूंगा। ए नज़म, पैसा ला पैसा ला पैसा ला। हैप्पी? हर मूछ रखने वाले राजा नहीं होते और जांग ठोकने वाले पहलवान नहीं होते। सिर्फ थूकने और पीने वालों से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान दो, काम में तरक्की करोगे। क्या भाई वो इतना बोल गया, तुम चुपचाप सुनते रहे? कभी कभी काली गाय लात मारे तो मार खानी पड़ती है, तभी तो दूध दुहने को मिलता है। आप कौन है? घर में नई बीवी लाना और मोबाइल हाथ में रखना एक जैसी मुसीबत है। हेलो सर, आईटी कमिश्नर बेंगलोर से रेड डालने आए हैं। आप कौन है? तुम्हारे घर की तलाशी लेने का ऑर्डर मिला है। आइए सर आइए, जिधर भी आपका दिल चाहे तलाशी ले लीजिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है सर। मुझे पता है इस घर में रेड मारने से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन मैं जहाँ रेड मारने वाला हूँ वो जगह अलग है। सर सर स्टॉप, रुक जाओ वहीं पे, रुक जाओ वहीं पे। अरे सर देख मुझे सही सही बता ये साड़ी में क्या छुपा के ले जा रही है? कुछ सर मुझे कुछ नहीं पता। ओह माय गॉड, इसी ने मुझे छुपाने के लिए दिया सर। वेरी बैड वेरी बैड। मुंह देख तेरा, एक सड़े हुए नारियल के जैसा, और कमी लड़की चाहिए तुझे है? इतना पैसा, तू तो एक ऑर्डिनरी मैनेजर था, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? अरे इतना पैसा कैसे आया मुझे मालूम है, तेरे पास इतना पैसा कैसे आया मैं समझता हूँ, पर प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा और कोई प्रॉपर्टीज तो होगी? ज्यादा नहीं, आठ। अच्छा है। तो आठ, और सभी भाड़े पर दिया होगा? नहीं तीन। ओहो तीन, दो तीन को तो रखा ही होगा। केवल चार। इसमें भी झूठ बोलता है। चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें पकड़ता ही रहूंगा, चाहे बड़े लोगों की सिफारिश है तुम छूट जाओ। चलो इसका फोटो निकालो जल्दी, क्लोज अप लो, क्लोज अप लो। ऐसे कमीने लोग जो किसी के हाथ नहीं लगते वो मेरे हाथ लगते। ये पैसे उठाकर कार की डिग्गी में डाल दे। सर अब जो होना था वो हो गया, अब आप धीरज रखिए। पता नहीं किस गली में कदम रखा, जो कुछ था लूट गया, बर्बाद हो गया। कहते हो धीरज रखो, मैं क्या करूं? हे भगवान मैं बर्बाद हो गया। मिस्टर चंद्रकांत कौन है भाई आप लोग? आई एम कमिश्नर फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिल्ली, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी। अच्छा आप दिल्ली वाले भी हमारे घर में छापा मारेंगे? आओ तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बहुत देर कर दी आने में। ऊपर बेडरूम है, वहाँ कपाट है, उसको खोलो, उसमें चट्टी बनियान मिलेगी, और अटैच में बाथरूम है, उसमें सेविंग का सामान मिलेगा। तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हें इस बात का होश भी है या नहीं? मेरा नाम सुनकर अच्छे अच्छे कांपने लग जाते हैं। अगर आप कमिश्नर हैं तो वो कौन है? चक्रवर्ती, मेरा जो दिमाग है उसकी जो कीमत है और मेरी जो ताकत है, इन सबको मिलाकर एक चक्र बनता है जिसका नाम है चक्रवर्ती, इसलिए मुझे चक्रवीर कहते हैं। अब इस वीर का चक्कर देखो। हराने वाला कोई है क्या? एक कस्तौ दूंगा, लगाओ शेर लगाओ। अरे हमारे धर्म को हराने वाला कोई है? माई कलर एक कदर, एक कदर, एक कदर, कमोन एक कदर, है कोई माई कलर?
तो पिघल जाएगा। सेफ होके निकल जा पतली गली से। हमारे वीर की बॉडी देखो, ये पपर चेयर है, इसके ऊपर 5,000 रुपए। वीर पर दाव लगाइए, वीर पर। अरे क्या है, अरे उधर क्यों जा रहे हो? अरे सुनो, अरे पार्टी बदल रहे हो क्यों रे? सब वीर की तरफ क्यों जा रहे हैं? अबे वो इस खेल में नया है, अभी देखना हमारा गुरु उसको दो चार पंच मारेगा तो खुद ब खुद यहाँ से भाग लेगा। ऐसा हाँ। क्या वो देख, एक ही गुस्से में हमारा धर्म सो गया। अरे आप डरो मत, देखो अभी गुरु कैसे उठते हैं। क्यों मार रहा है? पूरा कान बहरा हो गया। तूने क्या मुझे कम मारा है? मेरा पूरा बदन दर्द हो रहा है। ऐसी बात है तो फिर मार। अबे डालने क्यों कर रहा है? तुमने मेरे ऊपर पैसा लगाया, मुझे हरा। अच्छा ये ले। अबे मार कम, सीधा पॉइंट पे आ जा। अबे पूरी सेटिंग हो गई ना? ओके गुरु ओके। अरे मेरा हाथ 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 भाई। लड़े छुट्टी, जो भी भिड़े छुट्टी, जो हमको तके छुट्टी, ना वो बचे छुट्टी, जो हमसे लड़े छुट्टी, जो भी भिड़े छुट्टी, जो हमको तके छुट्टी, ना वो बचे छुट्टी, छुट्टी 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 छुट्टी, जो हमसे लड़े छुट्टी, जो भी भिड़े छुट्टी, जो हमको तके छुट्टी, ना वो बचे छुट्टी, जो हमसे लड़े छुट्टी, जो भी भिड़े छुट्टी, जो हमको तके छुट्टी, ना वो बचे। भेजा घुमा तो फिर छुट्टी छुट्टी, पंगा लिया तो फिर छुट्टी छुट्टी, ताकत है मेरी तू ही बाबा बाबा, हिम्मत है मेरी तू ही बाबा बाबा, तू जान मेरी बाबा, तू शान मेरी बाबा, हर सांस मेरी तुझसे जुड़ी बाबा बाबा, है स्माइल मेरी बाबा, ये स्माइल मेरी बाबा, ये जोड़ी हमारी तो बड़ी चंगी 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 चंगी, जो हमसे लड़े छुट्टी, जो भी भिड़े छुट्टी, जो हमको तके छुट्टी, ना वो बचे छुट्टी, छुट्टी 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 छुट्टी। We'll be right back.
हाथ करे छुट्टी छुट्टी दो दो जो हाथ करे छुट्टी छुट्टी चाहे जो डांस करे छुट्टी छुट्टी कोई स्टाइल करे छुट्टी छुट्टी ये डांस मेरा बाबा रोमांस मेरा बाबा देखो हम सब की करें छुट्टी छुट्टी कमाल मेरा बाबा कमाल मेरा बाबा मिलके हम सब की करें छुट्टी 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 जो हमसे लड़े छुट्टी जो भी भिड़े छुट्टी जो हमको तके छुट्टी ना वो बचे छुट्टी जो हमसे लड़े छुट्टी जो भी भिड़े छुट्टी जो हमको तके छुट्टी ना वो बचे छुट्टी 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 टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अरे अबे इतनी जोर से क्यों चला रहा है? रात को खाना नहीं खाया था क्या? क्या करूं गुरु, मिलिट्री वालों ने भगा दिया था ना, ये गंदी आदत वहीं लगी है। आज सोमवार है, सुबह 7:30 से 9 बजे तक राव काल, उस पर ये नया राव काल। रोज बोलता हूँ टॉवल पहनकर सो, लेकिन ये बोलता है फ्रीडम चाहिए फ्रीडम चाहिए, इसलिए हम लोगों को इसका रोज विष्णु दर्शन करना पड़ता है। हाय, सुकून मिला ना? अबे 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 क्या रे, क्या हुआ? अबे दूध वाले ने देख लिया। हे भगवान, ए बेटा, ऐसा कर करके तूने पेपर वाले को भी भगा दिया, अब ये केबल वाले ने भी कनेक्शन काट दिया। तेरा अगर ऐसे ही चलता रहा ना। अरे धीरे बोल, तू जाकर उसे बोल दे मेरे भाई कि इस बारे में वो किसी और को ना बताए। मेरे होते हुए तू क्यों डर रहा है बेटा? अभी मैं उसके खुले मुंह को ताला लगा के आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से आ। ओके। ए टॉवल पकड़ो रे। ए, इस घर में मच्छर बहुत ज्यादा है, मुंह के अंदर चले जाएंगे, मुंह बंद कर दे। क्या रे, स्टैचू जैसी खड़ी हो गई? हाँ? क्या देख लिया तूने? हाँ? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। ओ तो कुछ नहीं देखा तो ऐसे भूखे शेर की तरह मुंह खोलकर क्यों खड़ी थी? देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसा मत करना, ऐसा करेगी तो धर्म नाराज हो जाएगा। जो कुछ तुमने देखा है वो घर घर जाकर जो सोया है उसको जगा कर ये सारी बातें उसे क्लियर बताना। अभी जो देखा वो बताना है? वही तो तुझे समझा रहा हूँ, 70 mm की तरह बड़ा चढ़ाकर बताना। हाँ ऐसी बातें तो मैं अभी जाके सबको बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ए, ये दरवाजा किसने निकाला रे? हम लोग निकाले गुरु। तुम लोगों ने दरवाजा निकाल लिया, मैं नहाऊंगा कैसे? ऐसी नहाओ ना गुरु, अब और बच्चा क्या देखने को। ए धर्म, मैंने सुना है रात को तुम 3 पीस पहन कर सोते हो। किसने कहा तुम लोगों को? निमी ने कहा था हमें। ए निमी। धर्म, ये सब मुझे वीर ने बताने को कहा। ए रुक, तुझे बताता हूँ मैं, ये वीर आज सब अच्छे खासे मूड में है, आज उस वीर के बच्चे को सबक सिखाता हूँ। नहीं रे मेरे बाप, उसको नहीं पुलाएंगे, नहीं तो पूरे एरिया को सोने नहीं देगा वो। मैं भी यही चाहता हूँ, सुबह उसने मेरी इज्जत की किस तरह धज्जियाँ उड़ाई थी, टिट फॉर टैट उसकी भी बेइज्जती करूंगा। लेकिन वो पीने के लिए तैयार तो हो? मैं पिलाऊंगा नहीं, खिलाऊंगा। क्या मीटिंग हो रही है, सब लोग एक साथ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। शाम हुई नहीं कि तुम टाइम पे बियर शेयर लेकर एंजॉय करने यहाँ पर आ गए हो। हाँ ओके ओके, वो सब छोड़ यार, तुझे क्या चाहिए वो बता। क्या बेटा, सुबह मैंने तुझे बकरा बनाया तो तू मुझे बकरा बनाने की सोच रहा है क्या? ओके, हमको कंपनी देने के लिए एप्पल तो खा सकता है, ये ले। आहा आहा, एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। करेक्ट, डॉक्टर अवे, फील्स गुड। गुरु वो गया। आओ भाई।
भाई मजा आ गया। क्या खिला क्या यार, क्या खिला? तेरे पैर का है? पैर तो नीचे है फिलहाल, हाथ से काम चला। भाई एक और एप्पल मिलेगा क्या यार, प्लीज एक और एप्पल। हाय 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 बॉस, मेरे दोस्त लोग बता रहे हैं कि तुम्हारे पास एप्पल मिलेगा यार, मुझे एक एप्पल। मैनेजर के पास मिलेगा, जाओ उधर। मैनेजर के पास मिलेगा, ओके ओके ओके। हाय 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 यार, मेरे दिमाग में मचमा चोरी, दिल में कचका चोरी, एक एप्पल मिलेगा क्या? अच्छा तो आपको एप्पल चाहिए तो चार बंगला मार्केट में जाना पड़ेगा, ये तो बाहर है मेरे भाई। ये बाहर है, मुझे मालूम नहीं है क्या तू मुझे बता रहा है? एक एप्पल देने की हैसियत नहीं है मुझे, बाहर बता रहा है। ये किसका घर है यार? हाय भाई, मेरे हिस्से का एप्पल कहाँ है? एप्पल कहाँ है भाई? एप्पल कहाँ है? मेरे हिस्से का एप्पल कहाँ है? बसंती मेरे हिस्से का एप्पल दे दे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। आज तो इसने पी लिया, लगता है सबकी बैंड बजेगी। अरे वीर, अरे पता नहीं क्या क्या करने वाला। अरे भाई तुमने इतना क्यों पी लिया? हाय क्या बात है, क्या चाहिए? एक एप्पल, एप्पल चाहिए, एक एप्पल। हाँ वो ऐसा वाला नहीं, वो जिसे खाने से रसा निकलता है, मजा आता है। अरे एप्पल नहीं मेरे पास, अरे भाई मेरे पास एप्पल नहीं है। वो एप्पल खिला दे मुझे, एक एप्पल खिला दे यार, एक एप्पल दे दे गुरु। अरे गुरु हम लोग इतने आराम से बैठ कर पी रहे हैं और वो हमारा वीर भाई पता नहीं किसकी बैंड बजा रहा होगा। बजाने दे बजाने दे। सुबह जब उसने मेरी बैंड बजाई थी तो सारी औरतें मुझे देखकर कैसी हंस रही थी। सुबह मेरी पिक्चर निकाल रहा था ना। हाँ हाँ अब उसकी बारी है। हाँ हाँ टेलीकास्ट। ये मेडिकल स्टोर इधर क्यों है? इधर रसायन औषधि मिलती है, वहाँ बार में बोतलें मिलती है। ये मामू एप्पल दे दे यार। मामू क्यों भाई, लोग यहाँ आते हैं, टोपी मांगते हैं, हेलमेट मांगते हैं, तू एक अलग ही करेक्टर है, अलग तरीके से मांग रहा है, एप्पल मांग रहा है, ले ये ले। भाई एक एप्पल खिला दे भाई। अरे यार उस एप्पल में पता नहीं क्या था, आज मेरे दिमाग की पूरी वाट लग गई है, दिमाग की घंटी बज रही है, शाम से घूम रहा हूँ एप्पल नहीं मिल रहा है। अरे मेरा भाई एप्पल कहाँ है यार? अरे ये तो मेरी बसंती जैसी दिख रही है। अरे मेरी बसंती कम से कम तुम तो एक एप्पल ढूंढते हुए आए हो, इतनी रात को कहाँ मिलेगा? मैंने अपने पति के लिए खाना बना के रखा है, मच्छी कड़ी। वो अभी तक आए नहीं, अगर चाहो तो तुम खा सकते हो। अरे अरे आई डोंट लाइक दिस मच्छी का सालन, मुझे सिर्फ एक एप्पल चाहिए, एक एप्पल खिला दे। अरे इस वीर को न जाने क्या हो गया, किसी के संभालने से संभल नहीं रहा है, सबको परेशान करके रखा है। सुबह आप लोग मेरे बारे में जो बात सुने थे वो क्या बात थी मुझे बताओ जरा। निमी ने बोला तुम नंगे खड़े थे, ये सुनकर हम लोगों को बहुत मजा। ठीक है ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे यार क्या कर रहे हैं, अगर सच बता दिया तो हमारी मदद भी नहीं करेगा। ऐसा है क्या? तो ठीक है भाई, निमी बता रही थी लेकिन हम लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। सचमुच तुम लोगों को नहीं मालूम? नहीं नहीं, तुम लोगों को कुछ नहीं मालूम, डोंट वरी आई एम देयर। वीर भाई एक एप्पल खिला दे, भाई एक एप्पल खिला दे। अगर मुझे एप्पल नहीं दिया तो मैं पानी में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। एप्पल खिला दे, ये एप्पल किधर है? ये ले। Where is my apple? My excuse me. तूने गिराया एप्पल को? वीर भाई पता है क्या चक्कर चल रहा है? क्या हुआ रे? एक आदमी अपने घर से निकलता है तो दूसरा आदमी उसके घर में घुस जाता है। ए तू दूसरों के बारे में टेंशन क्यों लेता है, छोड़ना। मैं सही कह रहा हूँ। बस कर वीर, जब उसका आदमी घर पे ना हो तो दूसरे आदमी को घर पे क्यों जाना चाहिए? अरे यार हालचाल पूछने गया होगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? असल काम तो कोई दूसरा ही करके निकल जाता है, इसीलिए मैं अपनी बीवी पे पूरी नजर रखता हूँ और वो जब भी मुझे देखती है ना तो थर थर कांपती है, समझे? सही बोल रहा बाप, मार धोना चाहिए तो बिल्कुल तेरे जैसा। अच्छा एक बात बता, ये चक्कर सब किसके घर पे चल रहा है बता ना? तेरे घर पे चल रहा है। ए चुप कर, जाना नहीं जाने का। शोर मत कर वीर, ये कुछ लोग लड़की को गाड़ी में उठा कर ले जा रहे हैं। अरे छोड़ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू ऐसा बोल रहा है, तू तो यहाँ का हीरो है ना।
हीरो हमेशा हीरोइन को बचाता है ना, तो फिर तुझे उसे जाके बचाना चाहिए। क्या बात कर रहा है? और नहीं तो क्या गुरु, चल निकाल अपनी गाड़ी और बचा जाके उसको, चल निकल जल्दी। ऐसा क्या? जाओ गुरु जाओ। बचाओ, कोई बचाओ प्लीज। ऐसे इसका हाथ बांधना है, इसका मुंह और पैर भी बांध देना चाहिए। छोड़ो मुझे, लात भी मार दी। छोड़ो, बचाओ बचाओ मुझे, ज्यादा कान बचाओ करने का, ये कान नहीं चलने का। अरे मुझे बचाओ, बचाओ प्लीज प्लीज बचाओ, मुझे बचाओ प्लीज प्लीज, मुझे बचाओ। बचा लिया बचाओ, मुझे बचा लिया मैंने, बचाओ प्लीज, बचा लिया बचा लिया, बचाओ ना प्लीज, बचा लिया बचा लिया। बच गई बच गई बच गई। अरे मुझे छोड़ो, अरे छोड़ो मेरे हाथ को खोलो। बच गई, मेरे हाथ को खोलो प्लीज। ओके ओके ओके, ओ बहुत टाइट से बांधा हुआ है। हां थैंक यू, आई एम वीर सिंह। वैसे लोफर लोग कौन थे? वो लोग मुझे किडनैप करके, सॉरी सॉरी। अच्छा ये लोग, तुम रुको, वेट एंड वॉच, अब देखता इनकी क्या हालत करता हूँ मैं, आता हूँ। अरे तेरे को कुछ पता नहीं क्यों हम लोगों को मार रहा है? मुझे मालूम नहीं है, तुझे नहीं पता? तुम इस लड़की को किडनैप करके रेप करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ क्या? रेप और उसका, उसको खुला छोड़ दे तो वो हमारा ही रेप कर डाले। भाई पुलन दे भी ज्यादा अच्छी है, अगर इससे गाय का बच्चा मिले तो उसे भी चुरा ले जाए। ये बहुत बड़ी चोरनी है। ऐसा क्या? बड़े हीरो की तरह एंट्री मार के चोरनी को छुड़ा लिया, अब देख तेरी बाइक भी तेरी आंखों के सामने उड़ा ले गई। तुझे हमारा नुकसान भरना पड़ेगा, सारा हिसाब किताब तू ही करेगा। हाँ दे दूंगा, लेकिन उस लड़की का नाम क्या बताया? शिवानी। ए शिवानी, चल चल भाग 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 भाग। आओ धर्म, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? तुम्हें काम से एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट जाना है? मेरी बेटी लंदन से पढ़ाई पूरी करके आ रही है। हाँ तो? और उससे तुम्हारा परिचय करवाना है। मुझसे परिचय कराना है? मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, अगर तुम मेरी बेटी के साथ रहोगे ना, मेरी बेटी सेफ रहेगी, और वैसे भी तो तुम मेरे शेर हो ना। जंजीर कुत्तों को बांधी जाती है, शेर और चीतों को नहीं, समझ गए ना? हाँ, एक मिनट। हाँ हेलो, मैं सूरज सिंह बोल रहा हूँ। सूरज सिंह? अंजनी का बड़ा भाई सूरज सिंह। तेरी बेटी की मोबाइल से एक आदमी की आवाज सुनकर तुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है ना? अब ज्यादा सोच मत, इस वक्त तेरी बेटी मेरे कब्जे में है। सूरज सिंह, तेरी दुश्मनी मेरे से है, मेरी बेटी के साथ कुछ गलत मत करना। अगर मुझे कुछ गलत करना होता तो वो सब कुछ करके अब तक तो तू मेरा ससुर बन गया होता। और हाँ, मुझे भी तेरी बेटी नहीं चाहिए। और सुन, जिसने भी मेरे भाई को मारा है उसको तू यहाँ मेरे पास अकेले भेज, मैं तेरी बेटी को छोड़ दूंगा। धर्म, अंजनी सिंह का भाई है सूरज सिंह, उसने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया और तुमको वहाँ पे वो अकेले बुला रहा है, मैं क्या करूँ? मेरी समझ में नहीं आता। मैं बातों में टाइम वेस्ट नहीं करता। तो तुमने मेरे भाई को मारा है और ये जानते हुए भी तू मेरे सामने बैठा है, मैं तुझे जान से मार दूंगा, इसका तुझे डर नहीं है? ए, तुझ में इतनी हिम्मत है, तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या? Thank you.
से डर कर जो दादागिरी करता है वो कभी दादा नहीं कहलाता। मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, इसीलिए मैं मौत को साथ में लेकर चलता हूँ। बोल क्या बोलता है। चलो किसी भी हाल में उसे मारना है। सब लोग अपनी अपनी जगह से जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है भाई। मार दिया मेरे को भाई, खुशी में मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, आपको मार दिया। माफ करना भाई, मैं खुद को मार लेता हूँ। बस बस बस, मेरी बेटी के आने की खुशी में तेरे को माफ कर दिया, चल जा निकल। आओ आओ धर्म, राजा शेर का बच्चा, मेरी बेटी मेरी जान है, मेरी दौलत मेरी शोहरत सब कुछ है, तू मांग मांग, क्या चाहिए तुझे, मांग ले घर, मांग ले पैसा, मांग जो कुछ मांगेगा सब कुछ दे सकता हूँ अपनी बेटी के लिए, मांग ले मांग ले। तुम्हारी बेटी चाहिए, दोगे क्या? देखो जुबान खोलने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करो, बगैर सोचे जुबान नहीं खोलनी चाहिए, समझे? तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो मगर मेरी नजर में बेवकूफ हो। और हाँ, कसम खाने से पहले ये सोच लिया करो कि किसकी कसम खा रहे हो। चलता हूँ। डैडी कौन है ये, इसकी इतनी हिम्मत? बेटी वो बिल्ली नहीं शेर है, जंगल के जानवरों को पकड़ता है, मेरी ताकत है, उसकी वजह से एक दिन मैं राजा राजा बनूंगा।
डैडी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर उसने मुझे किडनैप क्यों किया? सूरज सिंह हमारे बिजनेस में हमसे कंपटीशन कर रहा था और सारे कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गए। उसने सोचा तुम्हें किडनैप करके मेरे साथ खेल खेलेगा, लेकिन उल्टा हो गया। बिजनेस में तो ये सब चलता ही रहता है। जाओ गो बेबी रिलैक्स। ओके डैडी। भाई आप धर्म को कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हैं। मैं उसे भाव नहीं दे रहा हूँ, वो खुद ले रहा है। जब तक बकरी के बदन पे बाल होता है तो है उसकी कीमत, और फिर एक दिन उसके माथे पर कुमकुम लगाकर एक ही बार में उसको कट कर देने का। हरे रामा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे कृष्णा। दीदी आइसक्रीम दूंगी ऐसा कहकर सर मुंडवाया था, अब आइसक्रीम की तरह अब मैं घर पे क्या बोलूंगा? सुन ना, एग्जाम में पास होने के लिए तुमने अपने बाल तिरुपति को चढ़ा दिए, ये बोल देना। अच्छा हेयर स्टाइल बोल के मेरा बाल मुंडवा दिया, अब मैं घर पे क्या बोलूंगा? अब अपना मुंह बंद रख। ओम सूर्याय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। ओहो विष्णु ना। दीदी सुनो रे, सूर्याय नमः, ओम बकरा रेडी। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हम श्री श्री बाला कृष्णा जी के आश्रम से आए हुए हैं। जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है हम उन्हें आश्रय देते हैं। आप भी कुछ दान करके थोड़ा सा पुण्य कमा। अरे रे 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 रे, अनाथ आश्रम वृद्धा आश्रम देवदानों राक्षसों सबको पूछ लिया, पूछते पूछते मेरे सर के बाल उड़ गए, फिर भी मेरे बीबी के पेट में बच्चा क्या अंडा भी नहीं आया। अरे चल भाग यहाँ से। अरे 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 मैं पैसों के लिए नहीं आई हूँ विष्णुनाथ जी। विष्णुनाथ मेरा नाम तुम्हें कैसे मालूम है? तुम्हारी जिंदगी में कोई औलाद नहीं है मुझे तो ये बात भी पता है। अच्छा 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 अच्छा, मेरे भाग में अभी बच्चा नहीं है ये भी तुम्हें पता है? अरे वाह तुम तो महान देवी हो। नमो नमः माते। मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाई थी, ये लो बेटा। इस पूजा में 5,000 रुपए खर्च हुए और वो पैसे इन अनाथ बच्चों ने भिक्षा मांगकर जमा किए थे। अरे अरे इन बच्चों के पैसे से मेरे लिए पूजा? नहीं नहीं नहीं, पैसे मैं दूंगा, बच्चे मुझे चाहिए, बच्चों की जरूरत तो मुझे है। ठीक है इसमें डाल दीजिए। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, भगवान भला करे। हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। आज भगवान की नजर मुझ पे पड़ी है। क्या है ये? लक्ष्मी तुम्हें पता अभी अभी यहाँ एक देवी आई थी, उसने पूजा करके ये दे करके गई, बोली तुम्हें बच्चा होगा और उसने मेरा नाम एकदम सही बताया। अरे इस दुकान का नाम विष्णुनाथ स्टोर है, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? लेकिन उसे कैसे पता कि मुझे बच्चा नहीं है? मैंने उसको बताया कि मेरी बीबी के पेट में एक भी अंडा नहीं है। अरे रे वो मुझे चूना लगा के चली गई। हम श्री श्री कृष्ण बालाजी के आश्रम से आए हुए हैं, ये अनाथ बच्चे। अरे बच्चे ये लो पकड़ो पकड़ो। मुझे क्यों पकड़ने जा रही है? ए, 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 उसको पकड़ो 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 पकड़ो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चोरी रुक, ए, भागो। अरे क्या हुआ गुरु, ऐसे क्यों भाग रहे हो? आगे लड़की पीछे गुरु भाई, कुछ तो लफड़ा है, क्या हो सकता है? क्या रुक जाओ, मुझे धोखा देकर कहाँ जा रही है? अरे रुक, ये पब्लिक हमारे पीछे क्यों भाग रही है? भागो भागो, मुझे इस बार बचा लो। मैंने तुझे बचाया और तू मुझे चूरा लगा के भाग रही है। रुक। अरे अगर मैं रुक गई तो पब्लिक मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्यों? मैं तेरी बीवी हूँ क्या? हाँ तू जैसी चोरनी को अपनी बीवी बनाने के लिए मैं रेडी हूँ। अब बच के कहाँ जाएगी? सॉरी मैं तुम्हारी बाइक बेचकर खा गई। अरे कोई बात नहीं, मैं भी बाइक चोरी करके लाया था। इसका मतलब तू भी? हाँ हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट के हैं। अरे भाई तुम लोग यहाँ रुक क्यों गए? हम थक गए इसलिए बैठ गए। तुम तो किसी को पकड़ रहे थे ना, नहीं तो टाइम पास के लिए भाग रहे थे। टाइम पास कर रहे थे? हम लोगों ने सुबह मटन खाया था, वो पचा नहीं, उसको पचाने के लिए भाग रहे थे। अरे वो लड़की किस तरफ गई? वो इधर गई। नहीं 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 उधर गई। वो उधर भाग गई। निकल गुरु। अरे रे तुम्हारे तो कपड़े सारे गंदे हो गए, अब तुम घर कैसे जाओगी? अब क्या करें? एक मिनट रुक जा। अब ओके? ये जैकेट कब वापस करूं? एक काम करते हैं, पुलिस सर्किल मालूम है ना, उसी के पास कॉफी डे है, करेक्ट 9 बजे मैं वहाँ आ जाऊंगा। ओके तुम वहाँ के मुझे जैकेट दे देना, ठीक है? ओके। क्या गुरु आज रात को इधर ही सो जाना। गेट आउट।
क्या गोटिया, बच्चू बहुत खुश लग रहा है। गुरु, गांव के चोर को घर में चोरी करने वाली चोर नहीं मिली है। अंडरग्राउंड लव, ये उसी से मिलने जा रहा है लव बिल्डअप करने के लिए। अच्छा ये बात है, और मुझे पता भी नहीं है। बड़े भाई कॉफी? नो 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 या ओहो ये आज ये पैंट पहनने वाला है। तो पैंट पहन लिया है लेकिन अभी तक उसे कोई असर नहीं हुआ है। अभी वो बहुत खुश है इसीलिए पता नहीं चल रहा है। ऐसा क्या? सॉरी मैंने काफी वे करवाया। अरे नहीं नहीं अभी तो आके बैठा, ये तो मुझे बोला चाहिए था। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। थैंक यू, ये लीजिए जैक। अरे क्या प्रॉब्लम हो रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं। सीट का प्रॉब्लम है, कहीं और चले? नहीं ये सीट का प्रॉब्लम नहीं है, अंदर का प्रॉब्लम है ये। क्या मतलब? आप नहीं समझोगी। एक्सक्यूज मी सर, इस तरह की खुजली आदमी लोगों में कॉमन है। मैं एक सेल्समैन हूँ, इसका इलाज है मेरे पास, सिर्फ हिच का। तो ये प्रॉब्लम है? अरे अरे ये नहीं है, ये नहीं है प्रॉब्लम। अरे जाना, शर्माइए मत, आपको जरूरत है, ले लीजिए हिच का, लीजिए लीजिए। जा नहीं तो सर फोड़ दूंगा तेरा। चले तो मुझे क्या करना, खुजाते रहे। ये प्रॉब्लम कुछ और है, दो मिनट में सही करके आता हूँ। हाय, मैं वीर का फ्रेंड हूँ। ओह वेरी नाइस। आप पहली बार उसके साथ इधर आई है ना? पहली बार। वेरी गुड। क्या कहा? कुछ नहीं, जब भी वो किसी को प्रपोज करता है तो बिना बुलाए हम उसके पीछे चले आते हैं। इसका मतलब बहुत लड़कियों को प्रपोज किया है? जी, ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी अपनी बीवी से नाराज होता है तभी ये सब करने लगता है, लेकिन भगवान भी उसके साथ अन्याय करता है। अब ये वीर का पता क्या? इसका मतलब उसकी शादी हो गई? आप शादी की बात कर रहे हैं, उसके तो पप्पीज भी है। किड्स तो आज के बाद मैं उसका मुंह नहीं देखूंगी। इतनी छोटी बात का बुरा मत मानिए, बैठ जाइए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, बाद में वो खुद ही बेहोश हो जाएगा। वो कैसे? बेचारा, उसकी पुरानी आदत है, बदन में खुजली होती है, कभी भी कुछ भी होता है। अभी आकर बोलेगा मेरे दोस्तों ने मेरे पैंट में कीड़े मकोड़े डाल दिए। हाँ तुम यकीन मत करना, उसकी बुद्धि थोड़ी खराब है और उसे टीवी की बीमारी भी है। क्या टीवी? अरे मकोड़ा चीट गया है भगवान, तुम लोगों ने इतने बड़े बड़े कीड़े मकोड़े छोड़ दिए है भगवान। इसीलिए उसे डॉक्टर के पास लेके गया था, डॉक्टर ने कहा उसे शुगर है, बीपी है। ओहो बेचारा, उसके बच्चों का क्या हम होगा? लोग हैं ना अभी, और कर भी क्या सकते हैं। और सुनो, वो अभी आकर बैठेगा, तुम उससे बातें करना और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उधर हूँ। बोलते बोलते मिर्गी भी आ जाएगी, घबराना मत। मिर्गी फिक्स है। हाँ अब मैं चलता हूँ, होशियार रहना, ऑल द बेस्ट। हाँ मजाक करने की कोई लिमिट होनी चाहिए, पैंट के अंदर मकोड़े छोड़ दिए। मालूम पड़ा? ये तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? तुमने तो अभी बताया। करेक्ट। हाँ अच्छा, अभी आइसक्रीम खाओगी क्या? मैं तो खा लूंगी, लेकिन तुम चीनी और नमक को थोड़ा अवॉइड करो। अरे तुम तो मुझे ऐसे बोल रहे जैसे मुझे बीपी और शुगर हो गया हो। अब ड्रामा कम करो, अपने बारे में नहीं तो कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचो। बच्चे? वो भी मेरे। सॉरी, अच्छा ये सब छोड़ो, ये लो ये चाबी, तुम हमेशा अपने पास रखो,
तुम तो मुझे ऐसे कह रही हो जिसे मुझे मिर्गी का दौरा पड़ा और मैं रोड पे तड़प रहा हूँ। अगर हुआ तो अच्छा, तो ये सब काम तुम लोगों का है? शुरू होने से पहले खत्म कर रहे हो तुम लोग। यार ए धर्म, कितनी मुश्किल से एक काम सक्सेस हो रहा था और उस पर भी मतलब पानी फेर रहा है तू। हाँ सॉरी बेटा। देखो ये मेरा क्लोज फ्रेंड है धर्म। ओह माय गॉड, यू स्कैर्ड मी। नहीं तो क्या, तू हमारे काम के बीच में आता है, मैं नहीं हूँ क्या? चल हट, भजवट भजवट। अच्छा तुम सब लोगों ने मिलकर सेटिंग किया था। हाँ उसको ये एप्पल काट के खिला देना, रोमांटिक हो जाएगा, एंजॉय करो। वर्कआउट होगा? वर्कआउट होगा, वर्कआउट हो गया समझो। ऑल द बेस्ट। कैसी है मेरी भाई? क्या तुझे बुला रही है? अरे जा ना। अरे अरे वो नहीं। ओके बाय बाय। एप्पल चलो दोनों खाते हैं। थैंक यू। Apple, apple, mang ke na jaan tha piya, jaan tha piya. Mausam piya nar kyun na khaye mahiya. लज्जत ऐसी लागी मुझको, उससे प्यार हुआ, दिल पे छाया मेरे तो बस हर पल उसका ही नजा। उसके बिन तो रहना मुश्किल, मुझे अब लगने लगा एप्पल दे सपना। अमेरिकन डॉलर, सेंट्रल पॉल, मलेशियन रिंगर, जापानीज येन, इन सब से खेल चुका हूँ। तू मुझे गोली दे रही है क्या सपना? मैं बड़े बड़े देश घूमकर, बड़ी बड़ी बातें सीखकर, बड़े बड़े किताबें पढ़कर, एक से एक ड्रेस पहनने वाला बड़ा आदमी हूँ। मैं बड़ा ही सोचूंगा, बड़ा ही बोलूंगा, बड़ा ही खाऊंगा, बड़ा ही देखूंगा, बड़ा ही करूंगा। गॉट इट? मेरे जैसे दिलदार को चना, बेर, अंगूर, मूंगफली पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है सपना। आई डोंट लाइक इट। मुझे बड़े बड़े, बहुत बड़े, कॉस्टली कश्मीरी एप्पल्स चाहिए सपना। कश्मीरी एप्पल्स। एप्पल एप्पल की ये जिद छोड़ माहिया, छोड़ माहिया, पाइनएप्पल आम क्यों ना खाए जे पिया। एप्पल 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 की ये जिद छोड़ माहिया, छोड़ माहिया, पाइनएप्पल आम क्यों ना खाए जे पिया। राजा महाराजाओं की तरह जिंदगी जीने वाले, मदिरापान ऐशो आराम के साथ करने वाले, खूबसूरत नशीली सुंदरियों के बीच रहकर उनके होठों को चखने वाले और उनके बदन को छूने वाले, इन हाथों में तुम फणस। एप्पल 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 एप्प
पाइन एप्पल चुभेगा हाथ में चुभेगा सपना नो आई डोंट लाइक इट तकलीफ क्या होती है इस राजा को पता नहीं काट काट करके कुरुम कुरुम करके खाने के लिए एक एप्पल दे दे सपना दे देना दे देना एक एप्पल में दो पार्टियों के बीच मतभेद होने की वजह से मार्केट में काफी तोड़फोड़ मची हुई है जिस वजह से लोगों को काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही है मार्केट में दो गाड़ियां खड़ी थी जिन्हें तोड़फोड़ करके आग के हवाले कर दिया गया ऐसा भयानक दृश्य देखकर पब्लिक काफी डरी आजकल सिटी में दंगा फसाद काफी हो रहा है धर्म वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में जो 500 एकड़ की जमीन मैंने डील कर ली है लेकिन उसका ओनर काफी मचमच कर रहा है उसके साथ मुझे एक मीटिंग फिक्स करनी है ठीक है डैडी हाँ व्हाट बेबी डैडी मेरी एक फ्रेंड बैंगलोर से एक दिन के लिए किसी काम से आ रही है उसका यहाँ मुंबई में कोई भी नहीं है मैं उसे एयरपोर्ट पे रिसीव करने जाऊँ क्या बेबी मजाक कर रही हो क्या सिटी में इतना दंगा फसाद हो रहा है इतनी गाड़ियां और बसें जलाई जा रही है इसका मतलब वो यहाँ किसी को नहीं जानती तो उसे वही छोड़ दे ऐसी बात नहीं That's just impossible. धर्म ये मेरी इकलौती बेटी है मैं इसको नाराज नहीं देख सकता हूँ इफ यू डोंट माइंड तुम इसके साथ जाओ ना डैडी जब उसको मेरे साथ आना पसंद नहीं है तो आप किसी ड्राइवर को भेज दो ड्राइवर गाड़ी चला सकता है बॉडीगार्ड नहीं बन सकता है धर्म देखिए जिसको मदद चाहिए वो बोले तो अच्छा होगा नेवर तुम्हारी मर्जी बेबी तुम्हारी फ्रेंड को इस घर पे लाना जरूरी है या तुम्हारा ईगो ठीक है प्लीज आप चलेंगे दैट्स बेटर प्लीज टेक केयर रुको रुको आप गाड़ी आगे नहीं ले जा सकते दंगा फसाद हो रहा है आप लोग जाओ ए गाड़ी हटाओ यहां से हटाओ तुम मेन रोड छोड़कर गली गली से क्यों चला रहे हो Hey, I'm talking to you. Hello? गाड़ी क्यों रोक दी जाने के लिए निकले हैं ये सब क्या है जो रिस्क नहीं उठाना चाहिए वो तुम क्यों उठा रहे हो ए, एक बच्चा रोड पर गिरा हुआ है उस पर गाड़ी चढ़ा कर ले जाऊं इंसानियत है कि नहीं मेरी फ्रेंड एयरपोर्ट पर वेट कर रही है शट अप नॉट रीचेबल नथिंग टू वरी वी विल टेक केयर थैंक यू डॉक्टर चलता हूं It's not this way. एयरपोर्ट जाने के लिए बोला था तो घर की तरफ क्यों जा रहे हो तेरा दिमाग खराब है क्या हेलो ओह आर यू मैड और समथिंग यू गेट आउट दोबारा घर में कदम ना रख सके ऐसी हालत करूंगी छोड़ूंगी नहीं इसे हाय सपना हे तू इधर कैसे आई हाउ आर यू धर्म का फ्रेंड मुझे ड्रॉप करके गया हेलो थैंक्स वीर लड़की को तूने घर पर छोड़ दिया थैंक्स अरे इस काम के लिए क्या थैंक यू बोल रहा है तेरा काम वो मेरा काम है धर्म एक मिनट आई एम सॉरी तुम्हें सिर्फ दो ही शब्द आते हैं सॉरी थैंक्स यही सीखने के लिए लंदन गई थी क्या ये तो हमारे गांव में भी सिखाया जाता है सॉरी थैंक्स बोलती है खेल रहे हो रम्मी हम किसी को मम्मी नहीं बना सकते तो रम्मी खेलेंगे ना सही बोला तुमने लेकिन हमारा हीरो घर पे नहीं है नहीं नहीं मैं उसके लिए नहीं आई मैं तो तुम लोगों से मिलने आई हम लोगों से मिलने आई हो क्यों हा? क्या बात है वो क्या है मुझे तुम सबका फोटो चाहिए हमारे साथ क्यों तुम्हारा इरादा क्या है भगवान ये क्या बोल रहे हो मेरा चेहरा देखकर तुम्हें ऐसा लगता है क्या
इनोसेंट फेस, ऐसा कैसे सोचा तुमने? सारे हमारे साथ फोटो क्यों चाहिए? क्योंकि मेरी जिससे शादी होने वाली है तुम सब उसके प्यारे दोस्त हो, और बाद में तुम्हें किसी ने मार दिया तो ऐसा नहीं है, बस सेफ्टी साइड। अभी तो हम लोग नहाए धोए भी नहीं है। ये तो अच्छी बात है, नहाओगे धोगे तो और पागल लगोगे तुम लोग। हाँ ये सही है, चलो एक साथ बैठ जाए। चलो। बद्री एक अच्छी स्टाइल ले। फर्स्ट क्लास बना, 300 भी जर्दा के साथ। सिर्फ 300 बेसी क्यों? पूरा डिब्बा ही डाल देता हूँ ना। दो चार दिन और ज्यादा जी लेना। अरे ये ऐसा क्यों बोल रहा है? देवा, एक सिगरेट दे। दुनिया में जितनी बुराइयां सारी तुझ में है, तो भी तू राजा जैसा ही घूमता रहता है। तेरी जिंदगी पे एक क्या पूरा पैकेट ही रख ले और मर जा। अरे कल तक ये मुझको देखकर सलाम करता था, आज ये मेरे पर्सनल हैबिट तक पहुंच गया। तू इन टपोरी लड़कों के साथ क्यों रहता है? इनसे तू दूर ही रहकर। क्या उन लोगों ने तुझे आँख मारी क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ वीर, तू उधर देख। क्या बात है, निम्मी गुरु के साथ सेपरेट पे बात कर रही है। ए, इधर आओ। क्या हुआ गुरु? उधर ही रुको। तुम सब मेरे फ्रेंड्स हो क्या? तुम सब लोग किधर गए थे? कहीं नहीं गए थे। तो फिर ये बीमारी कहाँ से लगा के आए? बीमारी। उधर देखो, छे तुम्हारी जिंदगी पर ये कैसा रोग लेकर आए हो? गुरु, नहीं गुरु, हम लोगों का कोई बीमारी नहीं है। गुरु, हम तुम्हारे क्लोज फ्रेंड है और हमारे साथ चीटिंग हुई है। अब वो कोई भी हो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। कोई भी क्यों ना? नहीं छोड़ेंगे। ये देख के शर्म आ रही है। क्यों? क्यों? मैं तुम लोगों के साथ इतने सालों से रह रहा हूँ, मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? चलो। शादी बड़ी धूमधाम से हो रही है। देखो विश्वनाथ जी आ गए। आइए आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, आइए। नमस्ते। तुम यहाँ क्यों रुक गई? तुम्हारे डैडी तो अंदर गए। शादी मेरी नहीं है, तुमसे एक पर्सनल बात करनी है, आओ। मेरे पापा पुण्य कमाने के लिए गांव भर के लोगों की शादी करवाते हैं, और उनकी बेटी की शादी का ख्याल उनके मन में नहीं आता। तुम ऐसा कुछ करो कि वो सोचे। उसी कोशिश में तो हूँ। मैंने एक लड़के को देखा है और उसे पसंद भी करती हूँ। उस लड़के के मन में क्या है पता नहीं, वो एक अलग ही टाइप का लड़का है, जब देखो तब सीरियस ही रहता है। मेरे हिसाब से वो एक जोगी लगता है। मैं किसे पसंद करती हूँ अभी तुम्हें मालूम पड़ा? मैं बात और टाइम दोनों वेस्ट नहीं करता। ये कौन है पागल? छोड़ दो बेटा। अरे पगली, कौन है रे तू? भाई पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे की? हाथ उठाएगी तू? ये तो रंगराव की बीवी यशोदा जैसी लग रही है, ये जिंदा कैसे बच गई? अरे नसीमा, छोड़ दो नसीमा। स्वामी, विश्वनाथ जी रोकिए इसे, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो इसे मार रहा है, वो भी इस मंदिर में। ये कौन है तुमको पता है? ये हमारे अंदाता है, इनको हाथ लगाने वाला चाहे कोई भी हो वो कभी नहीं बच सकता, कभी नहीं। क्या यही तुम्हारी व्यवस्था है और तुम खड़े खड़े देख रहे हो? भाई चुप रहो, चलिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर हमने गलती की। जब बड़े आदमी को बुलाओ तो उसकी खातिरदारी करना भी सीख लो। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम यहाँ से चली जाओ, अगर उन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। ये लो, रख लो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। जाओ जाओ, अब तुम जाओ। हे भगवान, इसकी रक्षा करना। आजा। क्या है इसमें? क्या बात है, आज घर को बहुत सजाया। दोनों हीरो किधर है? किधर है? दोनों को विश करके ये गिफ्ट देना है। गिफ्ट को साइड पे रख और बता, तू इतनी चमचम क्यों लग रही है? उन दोनों का आज बर्थडे तो मेरा भी बर्थडे जैसा ही है ना, किधर है उन लोग? आज उनका बर्थडे जरूर है, लेकिन दोनों का पता नहीं, सूरज उगते ही घर से निकलते हैं और सूरज ढलने के बाद घर पे लौट आते हैं। वो दोनों कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम। वो इसको नहीं पूछता और ये उसको नहीं पूछता। अब तुम घर पे जाओगे क्या? अब मैं घर पे जाकर क्या करूंगी, उन लोगों के लौटने तक मैं यही रुकूंगी। उन लोगों के इधर आने तक क्यों? तू परमानेंट इधर रुक जाना। तुम सारे बैचलर हो,
दीपावली और संक्रांति एक साथ बना लोगे? इन लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। ये लो। नमस्कार विष्णु भैया। नमस्कार वीर भाई, कैसे हो? ठीक हो भाई। एक पूजा की थाली दो। ये लीजिए, संभाल के। इधर धर्म नाम गोद दो। ठीक है। धर्म, तुम्हें 7 जन्मों तक मेरे दोस्त बनकर रहना है। सब्र करने की भी कोई हद होती है? अब तो हद से बाहर होता जा रहा है। एक एक कब कटेगा, न जाने गुरु कब आएगा। ए धर्म। हाय हीरो। धर्म अभी तक आया नहीं, ये तुम्हारे लिए हैप्पी बर्थडे। ए, ये सब अभी नहीं, धर्म के आने के बाद। ओके। गुरु। क्या हुआ रे? इतना टीवी देख। ऐसा क्या हो रहा है टीवी में? गुरु ये देखिए धर्म भाई को कैसे उछल उछल के नाच रहा है। ये माता बहुत शक्तिशाली है। तुमने हाथ में अग्नि लेकर माता को पसंद किया है, तुम्हारी सब इच्छा पूरी होगी। ये पूजा किसके लिए? दोस्त के लिए। नाम क्या है? वीर। नक्षत्र क्या है? आप अर्चना कीजिए। नक्षत्र तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज उसका जन्मदिन है। वाह गुरु, क्या दोस्ती है तुम्हारी। तुम्हारी दोस्ती की कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं भी यह दावे से कर रहा हूँ कि आज के बाद मैं कभी शराब को छोड़ूंगा नहीं। वीर आजा मेरे यार। हैप्पी बर्थडे टू हीरो। क्या हुआ ये? कुछ भी नहीं यार, स्टेप नहीं बदल रहा था, वो इतनी गर्म थी इसलिए छाले पड़ गए। तुम झूठ बोलोगे और वीर यकीन कर लेगा। तुमने जो कुछ भी किया हमने टीवी में देखा। मेरा पूरा हाथ जल गया, ये सब तूने मेरे लिए किया ना? वीर भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, तू मुझे दोस्त के रूप में मिला। जिनको मैंने खो दिया था उन सबका प्यार मुझे तुझसे ही मिला। तू मेरी जान है। ये सब क्या है यार? तूने अपनों को खोने के बाद मुझे माँ बाप भाई बहन भगवानों की तरह जगह दी है, मेरा भी तेरे सिवा कौन है? तू मेरे लिए सब कुछ है यार, तू मेरा दिल है। और तू मेरे दिल की धड़कन है। धर्म। वीर। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। ये किसने लिखा है पूछ रही हो? आज अगस्त की 8 तारीख है ना, वो साल में सिर्फ एक ही बार आता है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। वो आया था और पूजा कर चला गया, मुझे नहीं मालूम।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे चोर, चोर पकड़ो। मैडम ये लीजिए, मैडम ले लीजिए, मैडम मुझे माफ कर दीजिए। थैंक्स। वो क्यों? बात और टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, यहाँ अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? मैं यहाँ किसी काम से आया था, लेकिन वो हाँ 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 जो हमेशा सच बोलता हो उसके मुंह से झूठ क्यों? दिल की बात जुबा पर लाओगे तो अच्छा लगेगा। लव करते हो ना? चीची, लव? फालतू काम के लिए टाइम नहीं है। हे, अगर पलट कर देखा तो तुम्हें मुझसे प्यार है। पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे मोड़। एक्चुअली सपना, आई लव यू। ए, तुम सब यहाँ से निकलो, मैं जरा एक काम निपटा कर आता हूँ। जाने को कर रहे हो, ऐसा क्या काम है? मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करोगे कि नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है। मैं तुझे याद हूँ ना बच्ची? तुम जैसे चोर को मैं क्यों याद रखूंगी? ये पुलिस का काम है, वो तुम्हें याद रखेंगे। ए, पुलिस मुझे याद रखे ना रखे, लेकिन तुम मुझे जिंदगी भर याद रखोगी। तुम्हारा वो हाल करूंगा, समझ में नहीं आ रहा है? अभी सब समझ में आ जाएगा। मेरे डैडी का नाम विश्वनाथ है, तुम मेरा पाप करने से मुझे क्या लेना? ए, 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 सबके सामने मेरी इज्जत उतारी थी ना तूने, अब देख तेरे इज्जत की कैसे धज्जियां उड़ाता हूं मैं। तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की होगी ये हमने सोचा ही नहीं था। गुरु के मन में वो है या नहीं, मगर उसके मन में गुरु है। मैं सही कह रहा हूँ? सही बोल रहा है तू। गुरु तुम्हारी जोड़ी सुपर जोड़ी। धर्म, धर्म हाँ। तुम्हें पता है आज मैं क्या करके आया हूँ? क्या गवर्नमेंट को चुना लगा क्या? इससे भी बड़ा काम करके आया हूँ बे। ऐसा क्या कर दिया? याद है एक बच्ची के हार्ट ऑपरेशन के लिए मैंने बैंक के पास से एक सूटकेस लूटा था, याद है?
हाँ, वही जिसके बाप ने रखेल रख रखी थी और अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं दे रहा था और उसी के पैसे लूटकर उसकी बेटी का ऑपरेशन करवाया, वही ना? करेक्ट। उस केस में एक लड़की की गवाही की वजह से मुझे 6 महीने की सजा हो गई थी और मेरे माथे पर चोर का कलंक लग गया था। उस कॉलेज की लड़की को मैंने क्या खत्म कर दिया? खत्म नहीं किया, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या उसका रेप किया? हाँ धर्म, पूरी पब्लिक के बीच में, और वो कह रही थी कि मैं विश्वनाथ की बेटी हूँ। धर्म कहाँ है? गुरु घर पे नहीं है। घर पर नहीं है तो फिर कहाँ गया? मुझे थोड़ी बोल के गया। ए तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? ठीक कह रहा है, तेरी वजह से हुआ। क्या मेरी वजह से? हाँ गुरु, धर्म विश्वनाथ की बेटी से प्यार करता है। हाँ वीर भाई, वो शिवानी से बहुत प्यार करता है। ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। उस लड़की के साथ हकीकत क्या थी वो तो मैं धर्म को बताना ही भूल गया। मुझे कितनी बड़ी गलती हो गई। लेकिन गुरु वो हकीकत क्या थी? हे, तू क्या सोच रही है कि मैं यहाँ तेरा रेप करने आया हूँ? हे, मैं ऐसा नीच काम नहीं करता, मैं हीरो हूँ। तुम्हारी नजरों में मैं खलनायक हो सकता हूँ, लेकिन उस दिन मैं किसी की मदद करने गया था और तुमने मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। उस दिन से सब लोग मुझे चोर की नजरों से देखते हैं। तब से मुझे चोर बनकर ही जीना पड़ रहा है। ये सब तेरी वजह से हुआ। सांप अपनी दुश्मनी को 12 साल तक याद रखता है, मैं तुम्हें लॉन्ग लाइफ याद रखूंगा। अब मैं तुझे जैसा बोलता हूं वैसा कर, वरना तुझे मैं काट डालूंगा। नीचे बैठ। अब तुम इस समाज की नजरों में लुट चुके हो। अरे वो मेरी जान है यार, मैंने उसके दिल को ठेस पहुंचाई है तो मैं उसके पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा। आप यहां से क्यों बैठे हैं? दिखाई नहीं देता, इतनी जोर से बारिश हो रही है, पागलों की तरह बैठकर भीग रहे हो। ठीक है भाई। निम्मी, निम्मी। क्या हुआ वीर? हे, तुमने कहीं धर्म को देखा क्या? नहीं। क्या वीर भाई, तुम इधर और धर्म उधर, क्या बात है? तुमने धर्म को कहीं देखा? देखा, उसकी आंखों में आ गए और उसके चेहरे पे गुस्सा नजर आ रहा था। मुझे तो बहुत डर लग रहा था भाई। लेकिन कहाँ है वो? वो किले के पास बैठा है। शिट, इसको भी अभी पंक्चर होना था। वीर, आज मैंने बहुत बड़ा हाथ मारा है, चलो कहीं घूमने चलते हैं।
सही टाइम पर आई है चाबी दे। अरे, तू इधर ही रुक। मैं भी साथ में चलती हूँ। उसके और मेरे बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। हेलो, एक जरूरी काम है, जल्दी आओ। क्या बात है, क्यों बुलाया? धर्म, नर्से में गुरु कहाँ थे तुम? तुमको हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? वीर ने कुछ गलत नहीं किया है और वो भी तुम्हें कब से ढूंढ रहा है? एक बार बात कर लो। जाने दे, मेरा मूड नहीं है। धर्म, सुबह से हम तुमको ढूंढ रहे हैं। हम सब लोग यहाँ ये सोचकर आए थे कि तुम और वीर इस बार के अंदर जरूर मिलोगे। देखो वीर वो गाड़ी लेकर आया है। कौन सी गाड़ी? वो वाइट मारुति गुरु। वो मारुति वैन? ये गाड़ी शिवानी लाई थी और अपना गुरु इसी गाड़ी से आया है। शिट, ये मैंने क्या कर दिया? वो गाड़ी वीर लाया, मुझे मालूम नहीं, उसमें तो मैंने बॉम्ब फिट किया है। पागलों की तरह बात कर रहा है। देख, तू किसके बारे में बात कर रहा है? मुझे कोई हाथ लगाए तो ये उसका हाथ तोड़ देता है। कोई मुझे मारने की कोशिश करे तो ये उसको जान से मार देता है। ऐसे में मेरा दोस्त धर्म मुझे जान से मारने की कोशिश करेगा? तू इसे मारेगा तो सिर्फ चोट लगी, मैं मरूंगा नहीं। इले, 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 इससे तू मुझे मारी डाल। जिससे तेरा दोस्त बच जाएगा। मैंने जो कुछ भी किया उससे तुझे गुस्सा तो आया ही होगा। अगर तू मेरी जगह होता तो तू क्या करता? तेरे दोस्त ने मेरी बेटी की किस्मत बदल दी, अब उससे कौन शादी करेगा? अगर तेरा दोस्त उसको जान से मार देता तो मैं किसी भी तरह से जी लेता। अगर तुम्हें लगता कि मैंने एक बाप होने के नाते कोई गलत काम किया है तो ये ले बेटा, मुझे जान से मार दे, मार दे, मार दे जान से, ले, ले, ले। क्या हुआ? वीर को किसी ने मार कर फेंक दिया है। किधर है वो? नदी के किनारे है। वीर! वेलकम मैडम, वेलकम। हाउ कैन आई हेल्प यू? एक्सक्यूज मी। यस। हेलो। ओ माय गॉड, सुनो,
1 लाख 2 लाख के लिए फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत करो। पेटी कैश में पड़ा है, निकाल कर दे दो। ओके मिस्टर। यस मैडम। आई वांट टू गिफ्ट अ कार टू माय ड्राइवर। ड्राइवर को कार गिफ्ट कर रही है? कौन सी कार चाहिए? दैट वन। हमारे घर का माली भी इसी कार में ही आता है। मैडम आपके घर या किचन में कोई काम खाली है तो मैं काम करने के लिए तैयार। ओके ओके टाइम विल कम, डोंट वरी। चलिए टेस्ट ड्राइव करिए। या एक्सक्यूज मी मिस्टर कृष्णा। कृष्णा सिंगल पेमेंट के लिए क्या डिस्काउंट देंगे आप? मैडम पहले हम ट्रायल लेकर आते हैं, फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे। डिस्काउंट के जो पैसे मिलेंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगी। थैंक यू मैडम, चाबी लेकर आ। अरे वाह मैडम, प्लीज फॉलो मी। या श्योर। मैडम चाबी लीजिए। ओ माय गॉड, क्या हुआ मैडम? मैं अपना बैग अंदर ही भूल आई। आई विल जस्ट गो। अरे मैडम कोई बात, मैं लेकर के आता हूँ। बट बी केयरफुल, कॉस्टली थिंग्स आर देयर। डोंट वरी, हम एक ईमानदार आदमी हैं। हां यू बेटर बी। थैंक यू, प्लीज सिट, आई विल कम। आज अच्छा कस्टमर पड़ गया, अपनी किस्मत बदल जाएगी। ये तो कार लेके चली गई। ये बोल रहे थे ड्राइवर को गिफ्ट करना है, तभी समझ जाना चाहिए था। उसके बैग में उसके घर का एड्रेस मिल गया तो मैं बचाऊंगा, वरना कार का ओनर मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। ठीक है, कागज के टुकड़े, ये भी शोरूम का पीस है। क्या दीदी आज क्या लाई हो, स्कूटर लाई हो या बाइक? जरा इधर देख। पार्किंग से गाड़ी चुराने वाले को देखा है, घर से भी गाड़ी चुराने वाले को देखा है, शोरूम से गाड़ी चुराने वाली तुम पहली लड़की हो। ए अब्दुल, अपना पैजामा संभाल रहे, वरना पैजामे के अंदर से तेरी चड्डी भी गुल हो जाएगी। ए रुक रुक रुक, अरे यार मेरी चड्डी किधर लेकर जा रहा है, मैं घर कैसे जाऊंगा? प्लीज दे देना यार, अब आएगा मजा। अरे मेरी चड्डी दे दे, तुझे भगवान की कसम। भगवान की कसम मत दे, वैसे भी मुझे कुछ नहीं होने वाला। देख शिवजी की कसम। तो क्या? देख हमारी दोस्ती की कसम, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये ले, तूने हमारी दोस्ती की कसम जो दे दी। हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा होने से क्या हमारी दोस्ती टूट जाएगी? नहीं वीर, हमारी दोस्ती जिंदगी भर बरकरार रहेगी। तेरा मेरा दुश्मन एक ही है, वो है धर्म। तो वीर तू क्यों नहीं मुझसे हाथ मिला लेता? ए! नहीं, धर्म मेरा दुश्मन है, ये तुझे किसने बताया? देख वीर, अब इसमें बताने वाली कौन सी बात है? ए! मेरी इस जान पर एक ही इंसान का अधिकार है। अगर हम दोनों के बीच किसी ने दुश्मनी पैदा की तो मैं तुझे जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। चल निकल यहां से। गेट आउट। शाबाश शाबाश वीर, शाबाश। इसे दोस्ती कहते हैं। ठीक है, जा रहा हूं। जितना जल्द हो सके तुम दोनों एक हो जाओ, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। धर्म और वीर इनके बीच दरार पड़ने के बावजूद भी तुम कुछ नहीं कर रहे हैं। चलता हूं मैं, आता हूं वीर, आता हूं। ओके बाय बाय। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी, अब दोनों अलग हो गए। ये सब जब मैं देखता हूं ना, उस दिन मेरे मुंह में जो आया मैं बकता गया। हमें उन दोनों को मिलाना चाहिए। ऐसा करते हैं, कल होली का त्योहार है, धर्म और वीर के हाथों में रंग देकर दोनों को सामने खड़ा कर देते हैं। गुड आइडिया। यस यस।
सूरज सिंह। ऑपरेशन करके हमने गोली निकाल दी है, डरने की बात नहीं है। ही इज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन काफी खून बह गया है, इसको खून की सख्त जरूरत है। पैसों की चिंता मत करो, ट्रीटमेंट चालू रखो। ट्रीटमेंट चालू है, ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है, जिसका मिलना काफी मुश्किल है। हम लोगों ने बहुत जगह ट्राई किया। डॉक्टर, मेरा ग्रुप भी ए बी नेगेटिव है, मेरा खून ले लीजिए। नहीं डॉक्टर, नहीं, गटर का पानी चढ़ा दीजिए, मुझे मंजूर है। सांप का विष चढ़ा दीजिए, मुझे मंजूर है, लेकिन उसका खून नहीं चाहिए। चला जाए यहां से। धर्म, मेरी बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरे दुश्मन से तूने हाथ मिलाया है, देखकर भी अपना समझकर मैंने तुझे गले लगाया। धर्म, तुझे बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। मेरे दोस्त सच को जानने की कोशिश कर। नहीं जानना मुझे, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे और जा यहां से। एक चिंगारी से पूरा गांव जल सकता है, इसीलिए तू चला जा यहां से। प्लीज, बस ये जो बोल रहा समझ में नहीं आ रहा, चल बाहर निकल। ए, तू बीच में बात मत कर वरना तेरा मैं सर फोड़ डालूंगा। डॉक्टर, मेरा खून ले लीजिए प्लीज। तू जानता है कि तुझे इसके बाल के बाहर का रास्ता। विश्वनाथ, उसके गले तक हाथ मत ले जाना वरना जल जाएगा। अगर तू यहां से नहीं गया तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, तू मेरी लाश देखेगा। नहीं धर्म। छोड़ो मत उसे, जाओ तुम लोग ऊपर, जाओ ऊपर। छोड़ो मत उसे, जाओ तुम लोग, जाओ। की ताकत है, मेरे जिस्म का खून है, मेरे दिल की धड़कन, मेरे दिल का चैन है, मेरी पूरी जिंदगी का सुख है वो। इस पूरे करिश्मे का नाम है धर्म। तुमने मेरे हाथों से उसे शूट करवा दिया ना। धरती जब कांपती है तो उसे भूकंप बोलते हैं, हवा जब तेज चलती तो उसे तूफान कहते हैं। दोस्ती में दरार डालने की सजा है मौत। मेरे दोस्त के खून की एक एक बूंद की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी कमीने, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे, छोड़ दो मुझे। इसको मार दिया तो तुम्हें जेल हो जाएगी, फिर हमारे साथ कौन रहेगा। छोड़ दो मुझे,
नमस्ते सर। नमस्ते। आज जेब में थोड़ा कम है, ले ये रख ले। ऐश्वर्य लाए चाहिए, लाओ उसको। वेरी गुड वेरी गुड। उन लोगों से तुम्हारा कोई रिश्ता न होने के बाद भी वो लोग शराब पीना छोड़ दे, इसलिए तुम उन लोगों के यहाँ लेकर आई हो। तुम सचमुच एक टिनी मदर टेरेसा हो। यू डोंट वरी, इन लोगों को मैं पीना सिखा दूंगा। डॉक्टर, पीना छुड़ा दूंगा। मैडम, ये रहे आपके 8,000 रुपए। ये सब क्या है डॉक्टर? आप गलत मत समझिए, हमारी संस्था ऐसे लोगों को यहाँ लाने वाले को सहायता के रूप में कुछ पैसे देती है। एक इंसान को लाने के बदले में 500 रुपए मिलते। पैसों से ज्यादा जरूरी उनका इलाज है ना? आप साइन कर दीजिए। अरे बैठ जाओ भाई। ये संजू, वीर गुरु के आने से पहले ये सीट खाली कर दे। क्यों रे? क्योंकि ये सीट धर्म गुरु का है, अगर वीर ने देख लिया तो बहुत मारेगा, समझा? वो वीर को मारना चाहता था और इस सीट के लिए वीर आके मुझे मारेगा। इधर बैठ के किसके बारे में क्या बात कर रहा है? धर्म यहाँ हो ना हो, इस सीट पर बैठने का अधिकार उसी को है, ये बात याद रखना। प्यार मोहब्बत दोस्ती रिश्ता तुम लोगों को क्या मालूम? यहाँ देख पे, मैं उसको किधर रखता हूँ? देख ना देख, वो मुझे प्यार करे ना करे, ये सिर्फ उसी को अधिकार है। डल डाल। गुरु, आप ये पी रहे हो? तब लोग याद मिटाने के लिए पीते हैं, मैं याद करने के लिए पी रहा हूँ। डालो। धर्म का भी एक पैक बना। Cheers! जब छम छम करती लड़की आती है तो सिर्फ उसी की धूम होती है, और फिर उसी लड़की की वजह से फ्रेंडशिप टूट जाती है। हाय। ओह, आई एम सॉरी, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द का तो मतलब ही भूल गया हूँ। वेरी सैड, जब तुम्हारा दिल इतना अच्छा है तो तुमने ऐसे इंसान से दोस्ती क्यों की? जाने भी दो। हाउ कैन आई फॉरगेट इट? भारी पब्लिक के बीच में उसने मुझे जलील किया। सपना, और इसके बाद भी उसने तुम्हें शूट किया। एक ही थाली में खाने वाला वो तुम्हारा दोस्त नहीं, एक राक्षस है। अगर उसके बारे में अनाप शनाप बकी तो मैं अपने प्यार को भूलकर तुझे जान से मार दूंगा। उसके बारे में तुम क्या जानती हो? अगर मैं हंसता हूँ तो पूरे एरिया को जमा करके त्योहार मनाता है, अगर मैं रोता हूँ तो मेरे लिए वो अपनी रातों की नींद खराब करता है। खाना खिलाने वाली माँ, प्यार करने वाली बहन, दोस्ती निभाने वाला दोस्त, वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं नाराज हो जाऊं इसीलिए मुझे शूट किया। देखो, अगर तुम्हें मुझसे प्यार करने का अधिकार है तो दंड देने का अधिकार सिर्फ उसको है। बी केयरफुल। सब जब झाड़ लिया फिर भी 10 रुपए ही निकले। ए तू चुपचाप बैठना, आज का दिन भी ट्राई डे। ड्राई डे नहीं, फ्लाई डे। शिवानी हो तो फिर टेंशन किस बात की? मेरी माँ, तू रहने दे, तू खड़े खड़े किडनी निकाल कर जाने वाली लड़की है। I'm so sorry. अरे फोटोग्राफर को तो मैंने दूसरा ही फोटो दे दिया था, पर उसने तुम लोगों की फोटो छाप दी। स्टूडियो वाले ने गलती की, तुम लोगों को दुख हुआ, इसीलिए आज सबको मेरी तरफ से पार्टी। ओ मेरी माँ, आज फिर से फंसाने का कोई नया इरादा है क्या? आप लोग मेरे बारे में ऐसा सोचोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे नाराज मत हो मेरी माँ, हम सब लोग पीने के लिए तैयार हैं। That's like a good boy. हाँ, ये हुई ना बात। ये रखो, मंगा अपना ब्रांड। ए मुंडे आ रहा तो बचना, ए हुसैन का गल दसना। ये हलाल हो ही गए। सुन
पंजो, ये दवाई की खुशबू कहाँ से आ रही है भाई? अरे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल। अरे हम लोगों को यहाँ पे कौन लाया? टेंशन मत लो तुम लोग, तुम्हें एक अच्छे काम के लिए यहाँ एडमिट किया गया है और ये शुभ काम करके 50,000 का सरकार से इनाम लिया है मिस शिवानी ने। जबरदस्ती पी पी बोलकर अच्छा बेवकूफ बनाया। ये मुझे चाहिए, पहले मैंने हाथ रखा है। नहीं, पहले मैंने हाथ लगाया है, मुझे चाहिए। अरे अरे, आप लोग इसके लिए क्यों लड़ रहे हैं? ऐसा सेम पीस मेरे पास और भी है। सॉरी, मैंने सोचा एक ही पीस है। सॉरी, मुझे भी ऐसे ही लगा। देखिए, ये फोटो लीजिए और मूर्ति पर लगा दीजिए। ओके मैडम। तुम वीर को जानती हो? मैं जिस इंसान को चाहती हूँ वो बहुत नजदीक है, वो उनके खास दोस्त हैं। वो ये है ना, धर्म को जानती हो? एक मिनट, ये फोटो इस मूर्ति में लगा दी। मैं वीर की गर्लफ्रेंड हूँ। ओह, दैट्स ग्रेट। मैं धर्म की गर्लफ्रेंड। करेक्ट। यू नो, दुख की बात ये है कि उनकी दोस्ती में दरार पड़ गई। हम जो उन्हें गिफ्ट देने वाले हैं, हो सकता है उससे उनका थोड़ा दुख कम हो जाए। मैं भी यही सब सोचकर कर रही हूँ। अगर वो दोनों एक नहीं हुए तो ये दोस्ती के कोई मायने ही नहीं रहेंगे। हाँ, कल उन दोनों दोस्तों का जन्मदिन भी है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये दोनों फिर से एक हो जाएं। ओहो, क्या बात है, आज तो तुम बहुत ही खुश नजर आ रही हो। ओहो, कल तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है, वो यहाँ आएगा ये सोच कर खुश रही हो क्या? भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सब लोग ठीक से भरपेट खाना खाओ। अरे ये क्या किया, पूरा खाना गिरा दिया। छे, इसका रोज का यही नाटक है, रोज कुछ ना कुछ गिराता रहता है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, जा तू यहाँ से। सर, मेहरबानी करके इन्हें माफ कर दीजिए। सुनिए, इनका दिमाग वैसे ही ठीक नहीं है, ये कहाँ जाएंगे, बेचारे पे दया कीजिए। बेचारा समझ कर मैं इसको कितने दिन यहाँ रखूँ, कल को कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा। आप लोग खाना खाइए, चल तू यहाँ से। ए, चल चल, बारिश हो रही है, कहीं आगे गाड़ी रुका के खाना खा लेंगे। चल गाड़ी स्टार्ट कर, स्टार्ट कर। ओ बाबा, आपको उठने के लिए दूसरी गाड़ी नहीं मिली, मेरी ही सब्जी की गाड़ी मिली बैठने के लिए। चलो चलो नीचे उतरो, चलो जाओ यहाँ से। कहाँ से चले आते हैं? ब्रह्मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म दुख विनाशक। वीर, इंसान की इच्छाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सभी पूरी हो जाए। देख, मन में जो भी इच्छा है वो कागज पर लिख और रॉकेट बनाकर भगवान के चरणों में रख। रॉकेट की तरह? क्यों मम्मी? आकाश में जाने वाला क्या रॉकेट है ना? हाँ। भगवान कहाँ रहते हैं? आकाश में। हाँ। ना रॉकेट आकाश में जाता है तो सीधा भगवान के पास जाता है। ऐसा है माँ? पुजारी जी, मेरे मन में जो भी इच्छा है वो इस रॉकेट में लिख दिया है, आप जल्दी से इसको भगवान के चरणों में रख दो ताकि मेरे मन में जो भी इच्छा है वो जल्दी से पूरी हो। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। बच्चों, तुम दोनों को फर्स्ट आना है, समझ गए? दोनों फर्स्ट कैसे आएंगे ये मैं नहीं जानती, जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया।
सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। ओके गेट रेडी। देखो धर्म और वीर फर्स्ट आ रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। बच्चों तुम दोनों हार गए कोई बात नहीं, लेकिन तुमने जो राष्ट्रीय गीत को सम्मान दिया वो मेरे लिए गर्व की बात हाँ, है। हाँ, राष्ट्रीय गीत बजे तब सावधान खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिए और माँ की भी इज्जत करनी चाहिए, ऐसा पापा कहते हैं। काली माँ, ए काली माँ, तुम्हारी चौखट पर भिक्षा मांगने वाला भिखारी आया है। नए रास्ते पर चलने वाले दरिद्रों की सहायता नहीं करती और मुझे जरूरत भी नहीं है। ए काली माँ, ऐसा दिन तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आए, इसलिए मैं तुझे समझाने आया हूँ। ये काली अम्मा एक बार घर से बाहर कदम रखे तो पूरा गांव शमशान बन जाता है। तुमने जो अपनी बहू को जिंदा जलाया है ना, उसका श्राप तुम्हारे पूरे परिवार को लगेगा, समझी? तो तुम सब कुछ पता करके यहाँ आए हो? हाँ, और तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें जीने का रास्ता दिखाऊंगा। हाँ। हाँ। काली माँ, तुम्हारा इकलौता बेटा है, अगर तुम उसकी जिंदगी चाहती हो तो पूरब की दिशा में एक सांप का बांध है, वहाँ एक पीपल का पेड़ लगाओ और उसके बगल में मंदिर के लिए जगह छोड़ दो। बिल्ला। हाँ माँ। तुमने वो सांप का मान देखा? हाँ, है माँ, वो सांप का मान देखा हुआ है, वहाँ वो मास्टर और उसकी औरत स्कूल चला रहे हैं। काली अम्मा को एक बार जो चीज चाहिए तो बस चाहिए रंग राव। रंग राव कौन है? नमस्कार काली माँ, ये जगह मुझे चाहिए। ये जगह मैं नहीं बेचूंगा काली माँ। मुझे बेच दे। ये नहीं हो सकता, यहाँ मेरे माता पिता की समाधि है। ये जगह मुझे नहीं बेची तो तुम्हारी समाधि भी इसी जगह पर बनेगी। काली माँ सुनिए, आप चुप रहिए। देखिए, आप हमसे बड़ी हैं, ऐसी बातें ना करें। हम स्कूल को और बड़े पैमाने पे चलाना चाहते हैं। तुम्हारी इच्छा जाए भाड़ में, मैं जो चीज मांगू वो चीज मुझे मिलनी चाहिए। आप मुझे डरा रही हो? वैसे भी हमारा आपका क्या रिश्ता है, क्यों ये जगह हम आपको दें? इतनी देर से आपकी बात सुन रहे हैं, चले जाइए आप यहाँ से।
इतनी रात को पूजा कर रही हो तो जरूर किसी न किसी का बुरा दिन आया होगा। क्या बात है माँ, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? स्कूल मास्टर रंगराव ने मेरी बात नहीं सुनी और मेरी इच्छाओं को भी नहीं समझा। उसके घर संसार में उनकी तिथि मनाने वाला कोई नहीं होना चाहिए। अब आप चैन से सो जाओ, कल सुबह तक उस जगह पर उनकी राख होगी। भैया क्या है, माँ ने जो घी की रोटी बनाई होगी उसे खाकर फटाके जलाएंगे। हाँ हाँ जल्दी चल होशियारी से। हाँ क्या बात है जी, बच्चे अभी तक आए नहीं। लगाओ जल्दी से, आग लगा दो। देखिए जी हमारे स्कूल को कोई आग लगा रहा है, जल्दी आइए ना। दो। तरह से देख विश्वनाथ, जिसे तू अपना शूटर बनाना चाहता था तेरे ही घर की थाली में छेद कर रहा है। जब कोई कुत्ता अगर खरीदते हो तो उसे घर के बाहर ही बांध कर रखना चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर तुम कहो तो मैं उसका इंतजाम कर सकता हूं। सूरज सिंह मैं तुम्हारे पीछे हूं, तू उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक डाल। डैडी ये आप बोल रहे हैं? उसकी हैसियत क्या, मेरे घर की इज्जत पे वो नजर डाले, उसको जान से मार दूंगा। डैडी प्लीज, धर्म अच्छा इंसान है, उसे कुछ मत करो। नो नो नो, मैं धर्म को सब कुछ बता दूंगी। जब जाएगी बाहर सब न बताएगी। डैडी जब धर्मवीर के साथ था तो हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। हाँ। इसलिए हमने उन दोनों का अलग कर दिया। अरे ये सब तो होना ही था, अब दूसरी कहाँ रह गई? मौका देखकर प्लान करके धर्म के हाथों वीर का खून करवा देंगे। वीर कहाँ जाएगा? वो सीधा ऊपर जाएगा। ए, वीर के फंटर ने हमारी सारी बातें सुन ली है, पकड़ो उसको। हेलो गुरु, मैं बद्री बात कर रहा हूँ। हाँ क्या बात है, क्या हुआ?
यहाँ लिंक रोड पर संजू को किसी ने मार दिया है। क्या? सच बोल रहा हूँ, हम इधर बहुत परेशान हैं। तू आ जा गुरु। पंडित जी ये लीजिए, पूजा कीजिए। सुनो मातुम, क्या बात है? कौन है ये? माँ जी ये तुम्हारा बेटा नहीं है कृष्णा, ये तू कहाँ से लाया? वो जब मैं मंदिर आ रहा था तो मुझे बाहर एक आदमी मिला, उसने मुझे ये थाली दे दी। वो बहुत जल्दी में था इसलिए मैं लेके आया। हाँ माँ जी, मुझे लगता वही तुम्हारा बेटा होगा। हर साल यहाँ आता है, भोग चढ़ाता है, पूजा करता है और रॉकेट यहाँ छोड़कर चला जाता है। इसको यहाँ मत आने दो। वीर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसको यहाँ से जाने को बोलो। इस विश्वनाथ की बात सुनकर तू मुझे मार सकता है तो इसे क्यों नहीं मार सकता? मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। चला जा यहाँ से वीर, चला जा यहाँ से। तेरी दुश्मनी तो मुझसे थी, तूने इसे बेवजह क्यों मारा? नहीं, बस भी कर, ये मेरा भी दोस्त था, मैं भला इसको क्यों मारूंगा यार? डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। विश्वनाथ ने तुम्हें सुपारी दी होगी और नरसिम्हा से तुमने ये काम करवाया है। चुपचाप सुन रहा हूं तो कुछ भी बके जा रहा है। नरसिम्हा के पहले हाथ काट दिए फिर जान से मार डाला। भाई उसके सिर पे खून सवार है, अब वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। भाई ए! 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 ए!
इन सबको मार डाला तो तुझे क्या अकेले छोड़ दूंगा। ये ले। हे विश्वनाथ, ये सब क्या है? धर्म यहाँ पे आ रहा है, तू अंदर जाके कहीं छिप जा। जा। विश्वनाथ देख तो, उठ कमीने, तुझे मैं मार मार, हाथ पर मुंह आंख से खून निकालकर वो चला गया। अब जान बची है, तू भी जान से मार दे। मुंह बंद कर। उस दिन तूने मेरे दोस्त की गाड़ी में बम रखवाया और आज संजू को मरवा दिया। तेरी वजह से मैंने अपने दोस्त को खो दिया। तुझ जैसे इंसान को इस दुनिया में जीने का हक नहीं है। धर्म, तू जिसे दोस्त दोस्त कह के मर रहा है ना, और तू मेरी बेटी से प्यार करता है ना, वो उसको किडनैप करके ले गया। उस राक्षस ने मुझे इतना मारा और मेरी बेटी को उठा कर ले गया। आए, तू किसके बारे में बोल रहा है, तुझे पता है? तो ये सब तुझे झूठ लग रहा है? मेरे सर से खून बह रहा है, सब झूठ है। उस दिन बलात्कार किया और आज आंखों के सामने से उठा ले गया। अब तुम जिसे प्यार करते हो उसे बचाना चाहते हो या फिर अपने दोस्त की बलि देना चाहते हो, ये डिसाइड कर लो। वीर, ये क्या गुरु, हमें छोड़कर जा रहे हो? हम दोनों के झगड़े के बीच वो संजू मारा गया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोग तकलीफ में आओ। भगवान सब कुछ देता है लेकिन वक्त आने पर सब कुछ छीन भी लेता है। मैं यहाँ रहूंगा तो ये दुश्मनी, ये झगड़े चलते रहेंगे, इसलिए मेरा चला जाना ही अच्छा है। अच्छा दोस्तों, रुक जा वीर, मेरी बात सुन। लेकिन अब तो जाएगा कहाँ? जहाँ से आया था वहीं वापस जाऊंगा। कहाँ है ये दुश्मनी, नफरत या गुस्सा, ये सब उसे कुछ नहीं चाहिए। वो ऐसा कहकर हम लोगों को छोड़कर चला गया भाई। हमने बहुत कोशिश की पर वो नहीं रुका। शिवानी मेरी बात ध्यान से सुन, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा नहीं बोला ना, तो वीर की लाश मैं तुझे गिफ्ट में पेश करूंगा। अगर तूने जरा सा भी नाटक किया तो सबसे पहले तुझे गोली मारूंगा, समझे? ए, चल बोल। हेलो, हेलो शिवानी। वीर, तुम्हारे दोस्त ने तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए मुझे किडनैप किया है। हाँ, और वो बहुत खतरनाक है। वो क्या करेगा मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। तुम उससे लड़ना मत, तुम कभी धर्म पे यकीन मत करना। अगर मैं मर भी गई तो परवाह मत करना, लेकिन तुम यहाँ मत आना। तुम अभी कहाँ पर हो शिवानी, कहाँ पर हो? Thank you.
वाह, जबरदस्त फाइटिंग हो रही है। ये दोनों आपस में लड़के मर जाना चाहिए।
बच्चों, महाराज, वीर, बाबूजी, वीर, इतने बरसों बाद मिले, कैसे हो आप लोग, बाबूजी, बैड फादर है, इन्हें छोड़ना नहीं, मार डालो इन्हें, मार डालो। Booty to the beach.